नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों का। ब्रह्मांड के रचनाकार ब्रह्मा जी अपने विशाल मंदिर में विराजमान हो गए हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान और कैबिनेट चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सपरिवार ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान ब्रह्मा जी के साथ ही माँ गायत्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ चौमुहा के प्राचीन ब्रह्मा जी मंदिर के प्रांगण में बने नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्य पुजारियों ने चौधरी लक्ष्मी नारायण समेत उनके परिवार को मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए सभी साधु संतों महंतों और मंडलेश्वरों को माला और शॉल पहनाने के साथ दक्षिणा देकर सम्मानित किया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। सीतापुर जिला जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें 2019 में दर्ज डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट और डकैती के मामले में आज आजम खान पर फैसला आ सकता है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट आज आजम खान पर फैसला सुना सकती है। फिलहाल आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फर्जी दस्तावेज बनाने के कारण जिला जेल में बंद है आजम खान। यूपी के महाराजगंज में 3.5 क्विंटल का समोसा बनाकर चर्चाओं में आए सिसवा युवा संगठन ने सिसवा कस्बे में आकर्षक झांकियों के साथ 700 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं इस यात्रा में दर्जनों स्कूल के बच्चों के साथ युवाओं ने कस्बे का भ्रमण भी किया। के युवा संगठन द्वारा जो है आज सिसवा में 700 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस तिरंगे के नीचे हम खड़े हैं और हमारे पीछे बहुत सारे स्कूली बच्चे हैं। आज जो है तिरंगों को लेकर सिसवा में जो है उत्साह भरा हुआ है। आज विशाल तिरंगा यात्रा जो है सिसवा के युवा संगठन द्वारा निकाला जा रहा है। हमारे साथ बच्चे, हम उनसे बात करते हैं कि इसको किस तरीके से देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप। आज जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा, प्राउड फीलिंग हो रहा है कि हम लोग इंडियन है। आपको कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है, सर इंडियन। हमारे साथ कुछ बच्चिया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रेनू चौधरी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिसवा युवा संगठन द्वारा जो है आज करीब 7 साल से लगातार तिरंगा यात्रा निकाल के देश के जज्बात को ले बच्चों में जो है एक जज्बा भरते हैं, बच्चों में एक उमंग आती है कि आज इस तिरंगा यात्रा को लेकर। अभिषेक श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, महाराजगंज। खबर जालौन से है, जहां एएचटीयू तथा श्रम विभाग की टीम ने बाल श्रम की रोकथाम को लेकर कई दुकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान नाबालिग बच्चे दुकानों पर काम करते मिले। वहीं श्रम प्रवर्तन अधिकारी की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। फिलहाल कार्रवाई करते हुए बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। बाराबंकी में पुलिस की चुस्त पुलिसिंग की पोल खुल गई। सराफा व्यवसायी मनोज सिंह पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और जेवर से भरा बैग लेकर फरार हो गए। युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। यह घटना बड्डूपुर थाना क्षेत्र के नहर कोठी के पास की बताई जा रही है। आगरा थाना शाहजहांगंज के पथौली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक हैवान पति ने पेट्रोल डालकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। वहीं सागजनी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। फिलहाल बेटे की तहरीर के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 2024 को रात लगभग 2 बजे थाना शाहगंज को सूचना मिली कि एक महिला बुरी तरीके से जलने के कारण घायल है और तत्काल इसको जब इमरजेंसी एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया तो वहां पर उसको मृत डिक्लेयर कर दिया गया। जब इस महिला के दोनों बेटों से पूछताछ की गई तो उसके छोटे बेटे ने बताया कि पेट्रोल डाल के और इसको जलाने की घटना इसके पिता के द्वारा खारिज की गई और इसके पिता और माँ में कुछ विवाद चल रहा था। महिला के मृतका के छोटे बेटे की तहरीर पर थाना शाहगंज में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गई हैं। बहुत शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके इस घटना का सफल अनावरण करके। मथुरा में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के वरिष्ठ महामंत्री जगत बहादुर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी व्यापारियों को जीएसटी के अधिकारियों द्वारा लगातार परेशान किया जाता है, जिसे लेकर हमने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। माननीय वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन अधिकारी महोदय को देने आया है, जिसमें 11 सूत्रीय मांगे व्यापारियों के हित में की गई हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जो व्यापारी करोड़ रुपये का राजस्व जीएसटी के रूप में और विभिन्न करों के रूप में सरकार को देता है, उसके परिवार के लिए कोई भी राहत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। मांग पत्र में कहा गया है कि जो जीएसटी देते हैं व्यापारी, उनको 20 साल के बाद में 40,000 रुपये पेंशन, उनके परिवार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा करता है, उसके बच्चों का शिक्षा और स्वास्थ्य वो फ्री होना चाहिए। अनेक तरीके से 11 सूत्रीय योजनाएं हम लोगों ने वित्त मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर हमारे व्यापार मंडल की तरफ से भेजी हैं, और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं ध्यान में रखते हुए, जीएसटी के अधिकारियों को भी थोड़ा सा कहा जाए कि व्यापारियों को अनावश्यक परेशान न किया जाए, और 11 सूत्रीय मांगों का हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया। खबर बिजनौर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे गुलदार पड़ा देखकर वहां से गुजरने वाले लोग घबरा गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे पर गुलदार के पड़े होने की सूचना वन विभाग व पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे वनकर्मी घायल गुलदार को उपचार के लिए ले गए। इस दौरान वन दरोगा जगत सिंह राणा ने बताया कि घायल गुलदार की उम्र 6-7 महीने के आसपास है। माना जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन से टकरा कर गुलदार को चोट लगी है। खबर बागपत के ओगटी गांव से है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता की हत्या कर दी। महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। वहीं विवाहिता के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ से कहाँ हुई थी शादी? ओगटी गाँव में, मुकंदपुर ओगटी। अच्छा अच्छा, वहाँ हुई थी। जब से शादी हुई तब से लड़की को परेशान करते थे, मारपीट करते थे। लड़का निकम्मा, कुछ नहीं करता। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम अंकित है। अच्छा। हमने अपने यहाँ उसकी नौकरी भी लगवाई, वहाँ भी नौकरी नहीं करी। कई बार उसे जो भाई क्षमता थी 2,000, 4,000, 5,000 कई बार उन्हें पैसे भी दिए। अब 24 तारीख में हमारे पास 5 बजे करीब एक फ़ोन गया, जो नू कहता है कि मैं लड़के का अंकित का चाचा हूँ, कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली है। हम वहाँ से 8-10 आदमी आए तो हमें लड़की की लाश मिली पिलाना स्वास्थ्य केंद्र में। अच्छा। ना हमें लड़की की बॉडी दिखाई गई वहाँ। उसके बाद उसे ले आए जिला बागपत में पोस्टमार्टम पे। पोस्टमार्टम पे हमें कुछ नहीं दिखाया गया, हमें सील करी हुई लाश मिली पोस्टमार्टम के बाद में। वहाँ अंतिम संस्कार करा हमने अपने गाँव में जाकर। गाँव के बहुत आदमी आ गए ओटी के, जबरदस्ती करी कि लड़की हम लेकर जाएंगे। हमने बॉडी नहीं दी किसी को, तो उसमें लड़का तो जेल भेज दिया उन्होंने जी। और हमारे जो शक में है, एक उसकी सास है, उसकी जेठानी है पूनम की, पूनम नाम लड़की का है जी। और दो और एक उसका जेठ है, और जो भी जो शक के दायरे में उसके परिवार के आदमी, एक चाचा महिपाल उसका, और एक और है, मतलब 4-5 आदमी है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां लगातार मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजनाओं हो रही अनियमितताओं को लेकर सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का सत्यानाश किया जा रहा है। लड़की अपने माला डाल रही है और लड़का अपना माला डाल रहा है। इस योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसकी विधिवत जाँच होनी चाहिए। सत्यानाश कर दिया गया आप लोगों के ही बाइक को। मैंने देखा फेसबुक पर चल रहा था कि लड़की अपना माला अपने डाल रही है, लड़का अपना माला अपने डाल रहा है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब ड्रीम प्रोजेक्ट की स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके, तो और प्रोजेक्टों की क्या हालत होगी आप सोच लीजिए। सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इसको अपना प्रोजेक्ट मान करके इसको शुरू किया है, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट गरीबों के लिए ये जान जाएगी, ये अभिशाप बन चुका है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें हो गया है कि रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और रात को जैसा कोई घटना हुई उसको आपने कवर किया, और दूल्हे दुल्हन को ऐसे छोड़ दिया जाता है रात में, पैदल चले जा रहे हैं बेचारे, कोई इंतजाम नहीं।
अलीगढ़ में पुलिस की वर्दी पहने नटवर लाल ने मनगढ़ंत रेप के मामले में बेटे को छोड़ने के एवज में पिता को वीडियो कॉल करके 3,99,000 रुपए की ठगी की, जहां पीड़ित ने बताया कि पुलिस की वर्दी पहने हुए एक युवक का वीडियो कॉल आया था, जिसमें ठगों ने पुलिस की वर्दी पहनने के बाद पहले पिता को कॉल की और उसके बेटे को रेप केस में फंसे होने की बात कहते हुए ऑनलाइन के माध्यम से उससे 3,99,000 की ठगी कर ली, जिसके बाद पीड़ित ने साइबर सेल थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक देवेश सिंह जी हैं जो कुआरसी थाने से बिलोंग करते हैं, उनके साथ व्हाट्सएप कॉल पे, और वो व्हाट्सएप कॉल भी अगर आप उसकी फोन नंबर देखेंगे तो वो कॉल जो +91 जैसे इंडिया का लिख के आता है, वैसे उसमें एक इंटरनेशनल कॉल के थ्रू अपनी सिम को बदल के और उसमें भी व्हाट्सएप कॉल किया है, और व्हाट्सएप कॉल करके उन्होंने उसे एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में डाला कि आपका बेटा जो है वो बलात्कार के किसी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो कुछ पैसे लगेंगे। तो अब जब इन्होंने ये थोड़ा सख्ते में आ गए, इन्होंने गलती ये कर दी कि अपने बेटे से डायरेक्ट बात नहीं की, अब इन्होंने इस बात का फ़ायदा उठा के इनसे कुछ पैसे जो हैं वो लगभग 86,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए। 3,99,000। अच्छा, 86,000 रुपये जो है हमने होल्ड कर दिए हैं, वो फ्रीज़ हो चुके हैं, बाकी लगभग 3,99,000 जैसा आप बता रहे हैं वो उनसे ट्रांसफ़र करवा लिए। तो अब इसकी मामले की गहनता से जांच पुलिस कर रही है, हमें ना सिर्फ इसमें टीमें लगाई गई हैं, किस तरह से आपके द्वारा साइबर जो सेल को लगाया गया है इसमें स्थानीय पुलिस में, तो पुलिस को तो हमने निर्देश दे ही दिए कि वो तुरंत इसमें FIR दर्ज कर ले, और इसी के साथ हमने साइबर जो हमारे रेंज का थाना है अलीगढ़, उसमें जो हमारे सबसे एक्सपर्ट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें लगा दिए ताकि इस तरह के लोगों को हम पकड़ लें। अमरोहा में गेहूं के खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। 40 साल का किसान अपनी पत्नी के साथ आवारा गौवंश पशुओं की रखवाली करने के लिए गया था। आवारा गौवंश पशुओं में शामिल सांड ने किसान पर हमला बोल दिया। आनन फानन में किसान को अस्पताल में भेजा गया। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा नाम निरंजन नाजी। निरंजन कहाँ रहते हैं? बाटूपुरा। बाटूपुरा, ये जो मरते हैं क्या नाम था इनका? सुरेश। क्या लगते हैं आपके भाई? भाई कैसे कैसे हुआ था ये घटना? कैसे ये घटना यहाँ पे हुई थी जी, यहाँ पे घोरों का जो वो है मतलब सिलसिला जाता है, तो ये खेत लगा देते हमारे भाई साहब। तो ये अपने खेत पर थे आपके भाई, फिर क्या हुआ? तो ये जैसा ढोर रखा देते हैं, तो एक अचानक सांड आ गया मरतना, उसको निकालते हुए उनके सीने पर टक्कर मार दी, डेथ हो गई। मतलब सांड ने चोट मार दी जी। तो सांड के चोट मार डेथ होगी जी। लखीमपुर खीरी में पुरानी रंजिश के चलते चाचा भतीजे पर दबंगों ने हमला कर दिया। दरअसल युवक चीनी मिल में गन्ना बेचकर अपने भतीजे के साथ घर लौट रहा था। इसी बीच आरोपियों ने धारदार हथियार से वार करते हुए युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कितने दिन से विवाद चल रहा है? आज विवाद जेठा साड़म बहुत 8-9 महीना हुई गए। आय कमलेश हते, हरिंदर हते, सतिंदर हते, नेत्रपाल हते, राजपाल हते, आय राजीव हते, मिलाप की लड़का, आय कमलेश की लड़का, आय बलबीर हते, तुलसी राम की लड़का, हुसैनापुर के रतीश है, सुंदर की लड़का। आज दिनांक 31 तारीख की अर्ली इन द मॉर्निंग तकरीबन 2 बजे थाना उचौले पुलिस को यह सूचना मिली कि ग्राम मुस्तफाबाद ढंडेल के रहने वाले 2 व्यक्तियों के साथ उन्हीं गांव के व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस से मौके पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश पुत्र सोहन सिंह है, जिनकी 35 वर्ष के आसपास उम्र है, वह मृत अवस्था में पाए गए। वह उन्हीं के साथ घायल अवस्था में शुभम पुत्र अखिलेश सिंह मौजूद मिले। तत्काल घायल को उपचार हेतु CSC पसगवा रवाना किया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल शाहजहांपुर भेजा गया। वर्तमान में घायल की कंडीशन स्टेबल है, वह खतरे से बाहर है, उनका इलाज किया जा रहा है। वह संपूर्ण घटना के संबंध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के अनुसार हत्या व मारपीट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कुल 10 व्यक्ति नामजद हुए हैं इसमें, जिसमें कुछ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। वह अन्य व्यक्ति के संबंध में गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, वह लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्व से दोनों पक्षों के बीच में और नहर की पानी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में पूर्व से पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी।
व इस घटना के संबंध में गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वन विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी के रानीगंज से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बता दें, सड़क पर चलते चलते एक युवक को हार्ट अटैक आ गया, जिससे युवक अचानक सड़क पर गिर गया। जिस समय युवक सड़क पर गिरा, उस दौरान उसके पीछे से एक तेज रफ्तार की कार आती है और उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। वहीं स्थानीय लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बता दें, ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लोगों की रूह कांप गई। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। बता दें, बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार के मुताबिक अवैध तमंचा फैक्ट्री खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में बंद पड़े खंडहर में चलाई जा रही थी। वहीं इस अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए इस मामले में पुलिस ने दो सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए ऑन डिमांड सौदागर तमंचे बना रहे थे। वहीं छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 5 तमंचे, 20 अधबने तमंचे, 32 नाल और 100 ट्रिगर के साथ साथ कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। और सभी थानों को यह निर्देशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में निगरानी बरतें, जिसके क्रम में थाना कोतवाली खुर्जा नगर एवं जो देहात की एसओजी टीम है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए जंगलों से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें कुल 2 लोग जो कि ये कारखाना चला रहे थे, वो पकड़े गए हैं, जिनमें से एक का नाम है कसमू, जो कि रहने वाला सहारनपुर का, और एक का नाम है इशाद, जो कि रहने वाला मेरठ का है। इनके पास से 5 तमंचे मय कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही 20 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के उपकरण, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए, इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करते हुए, इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।